दोस्तों, क्या आप अपने मोबाइल नेटवर्क से परेशान हैं? आपके फ़ोन के अंदर नेटवर्क तो पूरे आते हैं, यानी कि सिग्नल तो पूरे आते हैं, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो रही है। यूट्यूब पर वीडियोस नहीं चल पा रही हैं और आप किसी को कॉल कर रहे हैं दोस्तों तो आवाज़ भी यहाँ पर सही से नहीं जा रही है। इसका यहाँ पर बहुत अच्छा सॉल्यूशन हमको मिला है, जहाँ पर दोस्तों आप मैन्युअली कुछ चीज़ें करके अपने फ़ोन की जो नेटवर्क की स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा सकते हैं और बदले में दोस्तों आपको एकदम पीक लेवल की स्पीड मिल सकती है। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक पांडे और आप देख रहे हैं टेक जाइंट यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर दोस्तों हम ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ लेकर के आते रहते हैं, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें, सो दैट हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फिलहाल दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि आप वीडियो को स्किप करते हैं और कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप मिस कर देते हैं, जिससे दोस्तों सेटिंग्स जो है वो पूरी हो नहीं पाती हैं और आपका दोस्तों जो वीडियो देखने का एक्सपीरियंस है वो बेकार हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, सो दैट आप अपने फोन के अंदर जो सेटिंग्स हैं उसको एज इट इज कर पाएं। So without a further delay, let's jump into the video. दोस्तों यहाँ पर यह है मेरा Samsung Galaxy A51 और इसके अंदर चल रहे एक जियो की सिम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है यहाँ पर पूरी है, वो सारे नेटवर्क एकदम प्रॉपर आ रहे हैं, LTE बिल्कुल लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन ऐसे में दोस्तों अगर मैं जाता हूँ अपने डिवाइस के अंदर और यहाँ पर मैं इंटरनेट की स्पीड को अगर चेक करने जाता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जैसे ही हम यहाँ पर गो पर क्लिक करेंगे और यह कनेक्टिविटी आ चुकी है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, लेकिन यहाँ पर जो एरर दिखा रहा है, एरर के अंदर दोस्तों लिखा हुआ है प्लीज़ चेक दैट यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। दैट मीन्स कि यहाँ पर सिग्नल तो शो हो रहा है दोस्तों, लेकिन कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है, इंटरनेट चल नहीं रहा है फ़ोन के अंदर। तो इस कंडीशन में दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली दोस्तों आपको जाना है अपने फ़ोन के अंदर प्ले स्टोर के ऊपर। तो यहाँ पर हम अपने फ़ोन में दोस्तों प्ले स्टोर ओपन कर लेते हैं और प्ले स्टोर ओपन होने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन को सर्च करना है जो कि है सैमसंग बैंड सिलेक्शन। तो इस एप्लीकेशन को दोस्तों आपने डाउनलोड करना है और उसके बाद इंस्टॉल होने के बाद में सिंपली ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद में इस तरह का इंटरफेस आएगा, सबसे ऊपर वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है, फिर आपको दोस्तों यहाँ पर 3 बार्स पे सिलेक्ट करना है और यहाँ आपको सिलेक्ट करना है सेकंड वाला ऑप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और कुछ आपको यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करना है। और आप ऊपर देख सकते हैं दोस्तों LTE बैंड्स बहुत सारे आ चुके हैं, यहाँ पर दोस्तों हमने एक LTE बैंड इनमें से सिलेक्ट कर लिया है और उसके बाद सिलेक्शन वाले ऑप्शन को हमने यहाँ पर सिंपली ऑन कर देना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमने LTE बैंड 5 को सिलेक्ट किया है और अभी हम दोस्तों सारी एप्लीकेशन को यहाँ से क्लियर कर देंगे और फिर दोबारा से दोस्तों अपने फ़ोन के अंदर हम जाएंगे इंटरनेट को चेक करने के लिए। और करते हैं दोस्तों यहाँ पर इंटरनेट को चेक और देखते हैं क्या कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है यहाँ पर। तो फिर दोबारा से दोस्तों यहाँ पर कनेक्टिंग आया है, लेकिन इस बार दोस्तों जो हमारे इंटरनेट स्पीड है वो प्रोसीड हो गई है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं दोस्तों कि अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 20 Mbps की जो स्पीड है वो आ रही है। लेकिन ये सेटिंग दोस्तों यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, इसके बाद भी आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं अपने फ़ोन के अंदर मैनुअल। तो ये दोस्तों जैसे ही यहाँ पर पूरा ख़त्म होगा मैं आपको बताता हूँ कि इसके बाद आपको क्या करना है, सो दैट आपको एकदम पीक लेवल की स्पीड मिल सके। तो अभी आप देख रहे हैं दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली 1 Mbps की अपलोडिंग स्पीड और 19.6 Mbps की डाउनलोडिंग स्पीड आपको मिल रही थी। अब आपको क्या करना है, सिंपली अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है, कनेक्शंस में जाना है और अब जाना है मोबाइल नेटवर्क्स के अंदर। और मोबाइल नेटवर्क में दोस्तों आपको यहाँ पर जो नेटवर्क सिलेक्शन है इसको ऑटो से हटा करके LTE ओनली सिलेक्ट करना है अगर आपके पास जियो का सिम है। तो यहाँ पर मैंने ये कर दिया है और ये करने के बाद में दोस्तों मैं दोबारा से यहाँ पर एक बार नेटवर्क चेक करूँगा और अब आप देखेंगे दोस्तों ड्रामेटिकली जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। और दोबारा से दोस्तों हम जा रहे हैं अपने फ़ोन की जो इंटरनेट स्पीड है उसको चेक करने। तो अभी आप देख रहे हैं दोस्तों कि 20 Mbps की स्पीड हमें पहले मिल रही थी और अब यहाँ पर दोस्तों 30 Mbps तक की स्पीड हमको ईज़िली मिल रही है। सिंपल हमने सिर्फ 2 सेटिंग की है अपने फ़ोन के अंदर।
इसी के साथ साथ दोस्तों मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि अगर आपके पास सैमसंग के अलावा कोई और डिवाइस है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम सैमसंग जो डिवाइसेस हैं उनमें कौन सी ऐप सपोर्ट करेगी उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।